दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत, जडेजा और सिराज को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड की टीम के खिलाफ तीसरे दिन के खेल में जडेजा और सिराज की गेंदबाजी ने जहां इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ा के रख दिए, परंतु ऋषभ पंत की एक गलती ने पूरे मैच को ही पलट कर रख दिया। तो आपको पहले सेशन की पूरी हाईलाइट्स तो दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत और धोनी में कौन एक बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहा सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच अब एक कांटे की टक्कर के मैच में तब्दील हो चुका है। आपको बता दें कि जहां भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने पहले दिन के खेल में इंग्लैंड की टीम के गेंदबाजों की पखियां उधेड़ कर रख दी और लगभग 275 के आसपास रन बना दिए थे, तो वहीं दूसरे दिन के खेल में यही स्कोर 365 तक चला गया। केएल राहुल की शतकीय पारी और रोहित की 83 रनों की पारी ने ऐसा लग रहा था कि मानो भारतीय क्रिकेट टीम की जीत को लगभग तय ही कर दिया था। अपने तो यहां तक थे भारतीय फैंस के भारतीय क्रिकेट टीम 500 से ज्यादा का स्कोर ही बना लेगी, लेकिन खैर भारतीय टीम 365 पर रोल आउट हुई। इसके बाद दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को जैसे ही बल्लेबाजी का मौका मिला, दूसरे दिन के खेल में भारतीय टीम की शुरुआत इतनी ज्यादा धमाकेदार थी कि इस धमाके में इंग्लैंड की टीम का बल्लेबाजी संतुलन बुरी तरीके से बिगड़ गया। शुरुआती ओवर्स में तो भले ही भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों को विकेट ना मिले हो, लेकिन आगे चलकर सिराज की गेंदबाजी ने 15वें ओवर में बैक टू बैक दो गेंदों में भारतीय टीम को दो बड़े विकेट दिला दिए। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होता उससे पहले शमी ने रोरी बंस को 49 पर आउट किया और भारतीय टीम को एक और तोहफा दिया। तरीके से दोस्तों, इंग्लैंड की टीम 100 के पार जरूर थी, लेकिन हमने उनके 3 विकेट चटका दिए थे, परंतु अभी भी इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करना बाकी था। अब आज जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो पहले सेशन में हमारे गेंदबाज वाकई में स्ट्रगल करते नजर आए, परंतु इस बीच जडेजा और सिराज की गेंदबाजी की तारीफ तो बनती है। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों को भले ही विकेट्स ना मिले हों, क्योंकि मैदान में जो रूट और जॉनी बेस्टो गोंद की तरह चिपक गए थे, परंतु इन दोनों गेंदबाज ने कम से कम रन दिए। आपको बता दें कि जहां जडेजा ने 10 ओवर में मात्र 20 रन दिए, तो वहीं सिराज ने लगभग 20 ओवर में 40 से 50 रन और उनके नाम तो 2 विकेट भी दर्ज रहे। परंतु दोस्तों, इस बीच पंत से एक ऐसी गलती भी हो गई जिस पर मैदान में हर एक खिलाड़ी और दर्शक भड़क पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि पंत के हाथों से जो रूट का कैच छूट गया। उससे ही बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि ये वाक्य जो रूट के अर्धशतक पूरा करने से पहले का है। पंत की इस गलती की वजह से न सिर्फ जो रूट का कैच छूटा, बल्कि आगे चलकर जो रूट ने अर्धशतक तो बनाया ही, बल्कि अपनी टीम के लिए 80 से ज्यादा रनों की पारी खेल डाली थी पहले ही सेशन में। ऊपर से जो रूट के कॉन्फिडेंस को देखते हुए जॉनी बेस्टो ने भी अपना अर्धशतक जड़ दिया। लंबे अरसे के बाद बेस्टो टेस्ट क्रिकेट में 50 जड़ते नजर आए, और कहीं ना कहीं दोस्तों कहना होगा कि इंग्लैंड की टीम का ये कमबैक हो चुका है इस मैच में। 73 ओवर होने के बाद अभी तक पहले सेशन में इंग्लैंड की टीम 215 तक तो पहुंच गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए अब एक कड़ी चुनौती बनती जा रही है। परंतु दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, इस मैच को कौन जीतेगा, भारत या इंग्लैंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी सभी ताज़ा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।